आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मैं राधा अपनी जिंदगी का अंतिम पत्र लिख रही हूँ। ये तो सुसाइड नोट है। मैं राधा आज अपनी जिंदगी का ये अंतिम पत्र लिख रही हूँ, जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद शायद पुलिस को मिले और उन्हें इस सच्चाई का पता चले कि मोदी परिवार ही मेरे पति उमंग जी की मौत का जिम्मेदार है। मैं पिछले 8 सालों से मोदी परिवार से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। ये हार मेरी जिंदगी की है और इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार मोदी परिवार है। साथ निभाना साथिया। शुगर आप मुझे यहीं मिल गए। आपको पता है मुझे आपको ढेर सारी बातें पता नहीं, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। हमारी तो सारी योजना बेकार चली गई, उन लोगों को सब कुछ पता चल गया भाभी, इसलिए मैं आपको मिलकर सब कुछ बताना चाहती थी। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने 3 जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की। अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की 4 दीवारें तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा, वक्त 3 जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है। नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर।
ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं राधा और तृप्ति घर के अंदर छिपे हुए हैं। गोपी, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा था कि हमें यहाँ से सुराग मिल सकते, लेकिन दरवाजा तो बंद है। हमें दरवाजा खोलेंगे कैसे? हमारे पास चाबी तो है नहीं। चाबी नहीं है तो क्या हुआ? पीछे एक खिड़की है, हम वहाँ से अंदर जा सकते हैं। मम्मी, आपको कैसे पता? अरे मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ ना। मामी जी ठीक कह रही हैं। राधा और तृप्ति कहाँ है ये पता अंदर जाकर ही लगाया जा सकता है। विचार मारा मगज मा तो आवेच नहीं। मम्मी चलो, अब खिड़की तो खुल गई, लेकिन सबसे पहले अंदर कौन जाएगा? मैं जाऊंगी ना, मुझे तो आदत है। किस चीज की आदत है आपको? हाँ, वैसे भी कई बार मैं मोटी बा मैं अंदर जाती हूँ। लेकिन संभाल कर रोमी लगे। मम्मी ध्यान कर। मामी जी मामी जी संभालिए। राची धक्का देना। राची दिख रहा, हनुमान जी का ध्यान लगा और धक्का दे। यही सजा है तुम्हारी। हमें धोखा देने चली थी तुम, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। नहीं भाभी, मैं आपको कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं सच कह रही हूँ, मैं तो हमेशा से आपके साथ थी और आज भी हूँ। अच्छा, फिर पुलिस स्टेशन क्यों गई थी उन मोदियों के साथ? हाँ, वो सब तो मोदियों की चाल थी। आपको पता है कोकिला की आतश वापस आ गई। भाभी, पूरा परिवार हमारी हरकतें जान चुका है और हमें सजा दिलवाना चाहता है, और इसमें तुम उन लोगों का साथ दे रही हो। नहीं भाभी, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए ना भाभी, मैं हमेशा से आपके साथ थी। वो सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन किसकी तरफ है। सुनो राधा, तुम अब हमें और बेवकूफ नहीं बना सकती, और तुम मोदियों से मिल चुकी हो, इसमें अब कोई शक नहीं है। नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही है। अब हम तुम्हें कभी सही समझेंगे भी नहीं राधा। अब तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, तुम्हारी मौत। राधा तृप्ति कहाँ है? यही से कोई सुराग मिल सकता है। कृष्ण भगवान, यहाँ तो कोई नहीं है, न राधा
न तृप्ति। पता नहीं तृप्ति राधा को लेकर कहां चली गई। काकी जी बात बिल्कुल साफ है, हम इनकी जोड़ी नहीं तोड़ पाए, इसीलिए तो हमें ठेंगा दिखाकर भाग गए। हाँ मोटा भाभी। कोकिला राधा का कुछ पता चला? जी नहीं, हम तृप्ति के घर तो पहुंच गए हैं लेकिन यहाँ ना तृप्ति का पता है और ना ही राधा का। नहीं, तृप्ति राधा को लेकर कहाँ चली गई? पर बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अपना ख्याल रखो। साथ अब हमें पुलिस को सूचित करना होगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पुलिस को सूचित करेंगे तो कम से कम तृप्ति और राधा शहर छोड़कर तो बाहर नहीं जा पाएंगे। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोचा उसमें देख लूं तो टेबल टूट गया और मैं गिर गई। भगवान, मैं राधा अपने जिंदगी का अंतिम पत्र लिख रही हूँ। ये तो सुसाइड नोट है। राधा आज अपनी जिंदगी का ये अंतिम पत्र लिख रही हूँ जो मेरे इस दुनिया से जाने के बाद शायद पुलिस को मिले और उन्हें इस सच्चाई का पता चले कि मोदी परिवार ही मेरे पति उमंग जी की मौत का जिम्मेदार है। मैं पिछले 8 सालों से मोदी परिवार से अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी पर मेरी सारी कोशिश नाकामयाब रही। ये हार मेरी जिंदगी की है और इसलिए मैं अपनी जान देने जा रही हूँ और मेरी मौत का जिम्मेदार मोदी परिवार है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।